तो दोस्तों आप लोग का स्वागत है एग्ज़ाम प्रिपरेशन के नए वीडियो में। तो चलिए आज आप लोग को अपडेट करेंगे बिहार बोर्ड 12th एडमिशन मेरिट लिस्ट। आज आप लोग को क्या किया जाएगा, जारी कर दिया जाएगा, ठीक है। तो बहुत लोग छात्र एवं छात्राएं कल कमेंट कर रहे थे कि सर ये रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है, तो भैया आप लोग को बता दें कि जो रॉन्ग बोल रहे हो ना वे लोग का जलन है, सिर्फ जेलस है और कुछ नहीं है। क्योंकि आप लोग ऑफिशियल नोटिफिकेशन को भी बोल रहा है रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है, तो उससे बड़ा अंधा कौन हो सकता है, ठीक है। तो मैंने कल जो भी आप लोग गलत कमेंट किए थे उन सभी लोगों को मैंने क्या कर दिया था, रिपोर्ट कर दिया था। क्योंकि सही इन्फॉर्मेशन होते हुए भी आप लोग गलत कमेंट कर तो भड़का हुआ आप लोग कमेंट कर दे, इसलिए मैंने रिपोर्ट कर दिया था। तो आप लोग को बता दे कि कल का जो लाइव में नोटिफिकेशन आपको देखने को मिला था वह रियल था, और आप लोग का आज पेपर आर्टिकल में भी दे दिया गया और स्पष्टीकरण भी आप लोग कर दिया गया कि जो आप लोग फॉर्म भरे थे ट्रांसफ़र के लिए 10+2 स्कूल में, उनका ट्रांसफ़र होगा। अगर एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप लोग एडमिशन ले सकते हैं, क्योंकि आज आप लोगों का क्या होगा, मेरिट लिस्ट जारी कर दिया जाएगा 12th एडमिशन 2024, ठीक है। तो और जो फॉर्म नहीं भरे थे वे लोग डिग्री कॉलेज में ही रहेंगे, उनको अलग से कोई भी एडमिशन या ट्रांसफ़र फॉर्म भरने की ज़रूरत नहीं है। ताइए आप लोग पेपर आर्टिकल दिखा देते हैं। पेपर आर्टिकल दिखाने से पहले आप लोग को बता दें कि अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बगल में होगा बेल आइकन उसको ऑल पे प्रेस करें, ताकि जब भी मैं आप लोग इस तरह के वीडियो अपडेट करें तो वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले मिले। तो जैसा कि मैंने बताया कि आप लोग जो भी ट्रांसफ़र फॉर्म के लिए अप्लाई किया था उनका मेरिट लिस्ट आज जारी किया जाएगा, आपके अपने ऑफिशियल वेबसाइट OFSS पर जारी कर जाएगा, जिसका लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। और आप लोग का रिजल्ट का जो PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगा, और जिसका टेलीग्राम चैनल का भी लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और आप लोग फटाफट ज्वाइन कर लीजिएगा PDF और मेरिट लिस्ट 12th एडमिशन, ठीक है। तो आइए आप लोगों को पेपर आर्टिकल से दिखा देता हूँ, वहाँ पे कन्फर्मेशन हो जाएगा, और आप लोगों का लाइव मैंने दिखा भी दिया था ऑफिशियल नोटिफिकेशन। चलिए दोस्तों आप लोग देख सकते हैं जो लोग बोल रहे थे गलत इन्फॉर्मेशन था, साफ साफ दिया गया BSEB 12वीं एडमिशन लेने वाले स्टूडेंट को आज क्या होगा, जारी किया जाएगा मेरिट लिस्ट। सबसे पहले बताते कि राजकीय डिग्री कॉलेज में 17-23-24 में 11वीं कक्षा में विद्यार्थी पढ़ रहे थे, उनके 21 से 31 मार्च तक ट्रांसफ़र के लिए फॉर्म पोर्टल खोला गया था, जो कि आप लोग को उच्च माध्यमिक विद्यालय में 17-24-25 कक्षा 12वीं में नामांकन के लिए OFSS पर ऑनलाइन विकल्प भरा था। उनका एडमिशन लिस्ट 8 अप्रैल यानी कि आज आप लोग को जारी किया जाएगा, दोपहर को 12:30 तक आप लोग का मेरिट लिस्ट जारी कर दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप लोग को बताते चले कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति 12वीं एडमिशन की सूची आप लोग जारी किया जाएगा, और 8 से 14 अप्रैल तक आप लोग एडमिशन करवा सकते हैं। वैसे विद्यार्थी जिनके द्वारा इंटर शिक्षण संस्थान में नामांकन लेने का विकल्प नहीं दिया है, अथवा वे उसी डिग्री कॉलेज में जहाँ से उन्होंने 11वीं कक्षा की पढ़ाई की है उसी में आप लोगों का क्या रहेगा, आप लोग का एडमिशन होगा, और 2025 का जो एग्ज़ाम होगा आप लोग का वहीं से दे सकते हैं। यहाँ पे आप लोग स्पष्ट रूप से दे दिया है तो उन्होंने अलग से नामांकन संबंधी कोई कार्रवाई करने की आवश्यकता नहीं, अर्थात 24-25 में 12वीं कक्षा में उनका नामांकन उसी डिग्री कॉलेज में यथावत माना जाएगा जहाँ 23-24 में उनका 11वीं कक्षा में एडमिशन है, ठीक है। तो स्पष्ट हो गया भैया, जो लोग गलत गलत बोल रहे थे गलत इन्फॉर्मेशन अब सही हो गया ना। तब आप लोग इंतजार कीजिए 12:30 का आप लोग का आएगा, जैसे मेरिट लिस्ट वैसे आप लोग का मेरिट लिस्ट का PDF टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिल जाएगा। तो अगर आप लोगों को जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा।